हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिताक्षी रावत और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के अपने नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं ऐसे कि दिल्ली का मौसम बना हुआ है कुछ डामाडोल, कभी हवा चल रही है, कभी बादल लगे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बादल लगे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है ठंडियों का मौसम बस आने ही वाला है। और मैं लाई थी माइलो को छत पे घुमाने के लिए। माइलो इधर आ जाओ, नीचे नहीं जाना है। माइलो घूम रहा है छत में आराम से। माइलो कहाँ? माइलो अपनी छत में कभी नहीं घूमता, उधर छत में जाके घूमता रहता है। और बहुत सही मौसम हो रखा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। ये देखिए ऊपर बादल लगे हुए हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है आज दिल्ली का मौसम। हेलो, इधर आओ। तो माइलो को मौका मिलना चाहिए नीचे जाने का। माइलो चलो इधर, इधर आ गई मैं पिटाई के। रुक जाओ, माइलो की जब तक पिटाई ना हो ना माइलो मानता नहीं। पर चलो चलो ऊपर, मैं पिटाई कर दूंगी। हम चलो आज मैं छुपम छुपाई खेलता है। माइलो चला गया, देखो धक्के मारे वो, देखो चलो ऊपर ले ले ले। लो 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 लो, ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए, ट्रीट के नाम पर ऊपर नीचे नहीं जाना है, इधर ही घूमो। पर ये थोड़ा बीमार पड़ गया था क्योंकि उसने बहुत फूल मस्ती की कल, बहुत फूल मस्ती की और उसका गला थोड़ा चोक सा हो रहा था, उसको थोड़ा खांसी हो रही थी। तो आज मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा है और आपको मैंने उसे दवाई दे दी थी, तो वो भी रेस्ट कर रहा है। माइलो चले। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं छत से नीचे और मैं आपको मिलवाती हूँ रियो से। रियो की थी हालत खराब, रियो का गला दर्द हो रहा था। आप ठीक है गला? और रियो का गला, रियो को मतलब खांसी वांसी हो रही थी रात को और मैंने फीवर की तो दवाई दे दी थी, बट फिर मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा क्योंकि मुझे लगा स्कूल नहीं भेजना चाहिए, आज रेस्ट करने देती हूँ, बहुत दिन की छुट्टी हो गई है। और रियो देख रहा है अपना ही ब्लॉग, इंजॉय कर रहा है टीवी में। अपने ब्लॉग देखने में मजा आता है टीवी में? और माइलो ये नीचे घूम रहा है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे क्योंकि सोमी को ऑफिस जाना है और ऑफिस वो आलू के पराठे ही ले जाएंगे, उन्होंने बोला था मुझे आलू के पराठे ले जाने हैं। तो मैं तैयारी कर रही हूँ आलू के पराठों की। ये देखिए, तो चलिए मैं बनाती हूँ अपना आज का नाश्ता और आपसे मिलती हूँ बाद में। तो दोस्तों सोमी तो चले गए ऑफिस, लंच वंच मैंने पैक करके दे दिया उनको और व्लॉगिंग में वो आ नहीं पा रही क्योंकि उनका सारा ध्यान अभी अपने कान पे है, तो ज्यादा अपने आगे के कामों में बढ़ते हैं। और रियो की बदतमीजियां चल रही हैं। रियो क्या कर रहे हो? पढ़ाई भी करनी है, बदतमीजी नहीं करनी है और टीवी नहीं देखना है दिन भर, स्कूल का काम करना है, अभी अपने फ्रेंड से मांगना काम शाम को, ठीक है ना, उससे काम मांग के काम करना। और मैं अब अपने घर के काम निपटाती हूँ। और ओ माई गॉड, ये माइलो को देखो जरा, एक मिनट रियो डोंट डिस्टर्ब, ये देखो सर इसके सोने के हाल देखो और कहाँ सो रहा, कैसे मुझे डरा दिया था। ये देखो कैसे सो रहा है, मतलब कैसा लगा मेरा मजाक। मतलब कहीं भी कभी भी ये महाराज ऐसे पसर जाते हैं, मतलब अपना ही घर है, जहाँ सोना है, जहाँ पसरना है, जो खाना है खाओ, जब उठना है उठो, जब ड्यूटी करनी है करो, जब नहीं करनी मत करो। तो माइलो बिजी है अपना आराम करने में, अपना रेस्ट करने में, बिल्कुल मजे में, बिल्कुल सोफे के ऊपर चढ़ के आराम से अपना पोज लेके सो रहा है। सही है, अच्छी लाइफ है। और मेरा तो देखो कितना सारा काम पड़ा है, किचन मेरा सारा फैला पड़ा है और काम मैं अब शुरू करूंगी। सफाई भी, इवन मेरी घर की सफाई कुछ नहीं हुई है क्योंकि कल जैसा कि आपको पता था हम बिजी रह गए घूमने फिरने में, मजे मस्ती करने में। रियो का भी गला दर्द है तो उसके लिए बनाऊंगी खिचड़ी। नहीं क्यों, खिचड़ी खाने को तैयार नहीं, क्या खाएगा? हलवा पूरी, आलू के पराठे कितने खा लेगा? बार बार आलू के पराठे खाता रहेगा क्या? बच्चों की छुट्टी करवाना भी मुसीबत का काम है, सुबह से टीवी देख रहा है, ये तुमने आराम नहीं किया, सुबह से तुम टीवी देख रहा है और माइलो भी कर रहा है अपने बिस्तर में आराम।
ये देखो माइलो, तुम आराम कर रहे हो? माइलो माइलो, तुम आराम कर रहे हो? नहीं तो चलिए दोस्तों, मैं भी करती हूँ थोड़ी देर आराम, बहुत थक गई। हेलो दोस्तों, तो हो चुकी है इवनिंग, इवनिंग नहीं, हो चुकी है ऑलमोस्ट नाइट, और मेरा डिनर भी रेडी है। सोमी आई नहीं है, शाम को डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले गए थे, तो देखते हैं। डॉक्टर ने आज दवाइयाँ चेंज करके दी है, एक दूसरी ड्रॉप भी दी है, आज से सोमी वो दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे, तो होप कि जल्दी ठीक हो जाए। 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और अब मैं रियो को भी खाना दूंगी। कल है फ्राइडे, परसों है सेकंड सैटरडे, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि रियो को स्कूल भेजूँ, कल एक दिन के लिए भेजूंगी, फिर परसों छुट्टी है, और वैसे भी रियो को खांसी तो हो ही रही है, तो अभी देखती हूँ। और रियो मेरी बात सुन ही रहा होगा, तो रियो खुश हो रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। किसी गलतफहमी में मत रहो, अपना बैग वैग लगाओ, कल की तैयारी करो, ठीक है ना? क्योंकि कल स्कूल जाना है, काफी सारा होमवर्क क्लास वर्क छूट जाता है। और माइलो देखो कैसे सोया पड़ा है। माइलो आजकल सोने का काम है बस माइलो का। माइलो चुस्ती फुर्ती में नहीं है आजकल। माइलो को भी सुस्ती आ रही है, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है माइलो भी सुस्त होता जा रहा है। माइली क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों सुस्त हो रखे हो? ये देखो तुम क्यों सुस्त हो रखे हो? तो चलिए अब हम वेट करते हैं सोमी का। मैं तो खाना तभी खाऊंगी, रियो को मैं खाना दे देती हूँ, रियो खाना खा के अपना आराम से जल्दी से सो जाएगा। अभी नहीं खाना, कब खाना है? Okay. पापा नहीं, पापा लेट में आएंगे भाई, तुम पहले खाओ, तुम जल्दी खाओ। पापा 10:30 बजे तक आते हैं। मैं 10 बजे नहीं, मैं अभी दे रही हूँ रोटी बनाती हूँ। नहीं, गंदी बात, जल्दी टाइम पे खाओ और टाइम पे सो, ठीक है? तो मैं रियो के लिए रोटी बना देती हूँ और माइलो के लिए भी बनाती हूँ खाना, क्योंकि माइलो का भी खाने का टाइम हो गया है। तो फिर मिलती हूँ आपसे जब सोमी आ जाएंगे, और सोमी से मिलाऊंगी। अब सोमी आ गए, इसने बाइक की आवाज़ सुन ली है, और देखो कहाँ वेट कर रहा है महाराज। सीधे झपट पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे आप? हम ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया। कान ठीक है आपका? कंदूड़ ठीक है? कंदूड़ डॉक्टर पास गया था ना? हाँ, मैंने बताया था डॉक्टर पास गया था। सिचुएशन तो वैसे ही ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई, बट वो क्या दवाई लिख दी और वो दवाई खाऊंगा। पानी नहीं जाना चाहिए ना मेन कान के अंदर। तुम नहा रहे हो शायद, उसमें भी थोड़ा हो जा रहा है, अच्छे से रुई लगाओ। और उससे तो मिल लो, कब से वेट कर रहा था। देखो मेरे दोस्तों कितना बड़ा होगा मेरा माइल, बड़ा हो गया देखो। बस हाँ, वो खराब हो गया कुछ नहीं, अभी उसका खाना ठंडा हो रहा था, अब वो खाना खाएगा। बुलेट चलाऊंगा पापा मैं, बुलेट। चलो माइलो को खाना भी देते हैं। माइलो का खाना हो गया ठंडा, माइलो का खाना हो गया ठंडा। खाना देख के प्यार खत्म, खाने तक का प्यार है बस। चलो माइलो, रुको रुको रुको, चलो आ जाओ, सिट 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 डाउन, सिट डाउन माइलो, सिट डाउन माइलो, सिट डाउन माइलो। सुनाई नहीं देता माइलो को? माइलो बे, नो 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 ना, ईट। अच्छा खा लो, खाओ माइलो। ओ तुम्हें भी देख रहा है कि तुम बाहर ना चले जाओ फिर।
तो दोस्तों कर लिया हमने डिनर, बहुत अच्छी दाल बनाई थी मित्र ने, वो खाई चाव से। थैंक्स मिति, वेलकम, गुड इम्प्रूव। तो डिनर तो हो गया, अब करते हैं सोने की तैयारी। और माइलो ना बहुत परेशान करता है रात को, यहाँ देखो लगा पड़ा है। ए माइलो, छोड़ इसको, छोड़, समझ में आता तेरे? ऐसे बोला बन जाता है जैसे कुछ करा नहीं होगा, हैं? क्या देख रहे हैं? तो चलो दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग का एंड, क्योंकि एडिटिंग भी करनी ही है ना जी, और सुबह भी उठना है और तुम्हें दवाई भी खानी है। दवाई खानी कर लियो, सो जाएगा। कल का ब्रेक रियो का, क्योंकि स्कूल भेजेंगे तो वापस मैसेज आएगा, क्योंकि काफी ज़्यादा वो खांसी बहुत कर रहा है ना, वैसे तो भेज देती पर खांसी बहुत कर रहा है। ठीक है तो दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग का एंड, और आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। और करते हैं कल, आज तू आ जा, तू आ जा ले बोल। तो इसी के साथ हम करते हैं अपने आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना सब्सक्राइब किए बिना। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग में इन्हीं मस्तियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बस हो गया, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ओके।